स्टूडेंट व्हाट्सएप के ऐसे आज दो सेटिंग आज बताऊंगा जो आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड। नंबर वन सेटिंग जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ फ्रेंड कि अगर आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड पे शक है तो ऐसे में वो किससे बात कर रही है, व्हाट्सएप पे किससे बात कर रही है, किसके पास चैट की है, व्हाट्सएप कॉल किसके पास की है, सारा डिटेल्स आप ऐसे एक क्लिक पे ऐसे देख सकते हो फ्रेंड। तो चलिए आप कैसे देख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, और जिसको ये सेटिंग पता है तो थोड़ा सा इग्नोर करना और अगला ऐसे यानी कि आगे का ऐसे सेटिंग ऐसे देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपको व्हाट्सएप लिखना है, व्हाट्सएप वेब लिख के आपको ऐसे सर्च करना है। जैसे व्हाट्सएप वेब लिख के आप सर्च करोगे नीचे में भी आपको व्हाट्सएप वेब लिख के आ जाएगा, सिंपल से आपको ऐसे उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे फ्रेंड उसके बाद आपको कुछ इस तरह खुल जाएगा, कॉर्नर में थ्री लाइन आपको दिया होगा, सिंपल से उस पर आपको क्लिक करना है। थ्री लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ऐसे डेस्कटॉप साइड में ऐसे ओपन कर लेना है। जैसे डेस्कटॉप साइड में ओपन करोगे यहाँ पे आपको ऐसे एक आपको ऐसे कोड आपको आ जाएगा, सिंपल से इसको ऐसे आपको ऐसे जूम करना है। जैसे आप जूम करोगे अब आपको इस कोड को क्या करना है फ्रेंड कि आप ऐसे जिसके मोबाइल में क्या व्हाट्सएप ऐसे देखना चाहते हो इसमें तो उसको पता भी नहीं चलेगा। आपको सिंपल से आपको क्या करना है उसका मोबाइल ऐसे चुपके से आपको ऐसे एक बार ऐसे ले लेना है, चुपके से लेने के बाद व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐसे कुछ इस तरह से आ जाएगा, सिंपल से ऊपर में आपको ऐसे QR स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, सिंपल से QR आपको ऐसे यहाँ पे ऐसे ओपन इस पे क्लिक करोगे तो कैमरा जैसा ओपन हो जाएगा। सिंपल से आपको ऐसे क्या करना है इस कोड को ऐसे स्कैन आपको ऐसे कर लेना है। जैसे कोड को स्कैन होगा आपको ऐसे कट जाएगा आपको कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आपको ऐसे जिसमें जिसका QR स्कैन किए हो जिस मोबाइल में उसका ऐसे व्हाट्सएप ऐसे आपके मोबाइल में ऐसे चलने लगेगा, कुछ इस तरह से आप लोग ऐसे फ्रेंड देख सकते हो। तो इसी तरह से आप ऐसे किसी का भी व्हाट्सएप ऐसे अपने मोबाइल में ऐसे देख सकते हो, उसका किससे चैटिंग किया है, किससे बात किया है, सारा आप ऐसे देख सकते हो फ्रेंड। नंबर टू जो आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है फ्रेंड, अगर आप घर से मोबाइल चोरी चुपे रात के भी मोबाइल चलाते हो ऐसे में आप लोगों को तो क्या होता है कि कोई रात को ऐसे आपको व्हाट्सएप में मैसेज करता है डेटा ऑन रहता है तो वैसे सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि इसका डेटा ऑन है यानी मोबाइल ऐसे यूज कर रहा है। तो ऐसे में ज्यादातर प्रॉब्लम होता है व्हाट्सएप से कि व्हाट्सएप ऐसे मतलब डबल टिक हो जाता है। तो ऐसे में आप ऐसे सिर्फ व्हाट्सएप का ऐसे नेट ऐसे ऑफ कर सकते हो, कैसे ऑफ करने मैं आपको ऐसे बताता हूँ। तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से मेरे भाई आपको कुछ भी नहीं जाता है मेरे दोस्त। प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट प्यारा सा हमें कर देना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको ऐसे सेटिंग में चले जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिए सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा के एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे फ्रेंड उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, उसके बाद अब आप लोगों को क्या करो ऊपर में आपको करना है और डेटा यूजेज के एक ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल में कहीं भी डेटा यूजेज का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद अब आप लोगों जैसे आओगे उसके बाद नेटवर्क यहाँ पे परमिशन ऑफ मांगेगा, सिंपल से उस पर क्लिक करना है। जैसे नेटवर्क परमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन खुल जाएंगे, यानी कि जिसका भी आपको ऐसे नेट यहाँ पे ऑफ करना है वो सारे लोगों को ऑफ कर सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ व्हाट्सएप का करना है, सिंपल से व्हाट्सएप पे आपको ऐसे क्लिक करना है। व्हाट्सएप जैसे क्लिक करोगे ऊपर में देखिए वाईफाई एंड मोबाइल डेटा का ऑप्शन मिलेगा, नीचे में वाईफाई मिलेगा और मोबाइल डेटा का ऑप्शन मिलेगा और नीचे में डिसेबल मिलेगा। सिंपल से आपको क्या करा है कि वो डिसेबल नेटवर्क के ऑप्शन पे आपको ऐसे क्लिक करना है, यानी यहाँ पे जो बिंदु है वहाँ पे ऐसे आपको ऐसे फिल कर देना है। जैसे आप फिल करोगे फ्रेंड आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा फिल, उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है कट आपको ऐसा लगा लेना है। अब कोई भी मैसेज करेगा तो ऊपर में आप लोगों को कुछ इस तरह से आपको ऐसे नोटिफिकेशन सिर्फ शो करेगा और उसके पास डबल टिक ऐसे नहीं होगा। जल्दी से जाओ इस सेटिंग ऐसे करो और इस वीडियो को ऐसे फटाफट से लाइक करके प्यारा से कॉमेंट कर दे। तो मिलते हैं आपसे अगर वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।